जी नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट इरम यकूब और मैं लेकर आई हूँ प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए मुरत्तब किया गया है जिनके साथ हेल्थ, पढ़ाई और बेरोज़गारी के मसाइल होते हैं। खुदावंद का शुक्र है, हमारे इस प्रोग्राम की वजह से हमारे बहुत से नाज़रीन ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। आज ये प्रोग्राम मैं जिस भाई के लिए कर रही हूँ वो गुर्दों की बीमारी में मुबतला है। आए हम उनसे बात करते हैं। जी भाई, मैं आपको इस शो में वेलकम कहती हूँ साथी हाथ बढ़ाने में। आपका नाम क्या है भाई? मेरा इमानुल रहमत। जी ठीक है, और आपको इस शो के बारे में कैसे पता चला वो आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। मुझे गुलफान भाई ने बताया था आपके चैनल का, वहाँ पे जाएं वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। जब आप बीमार हुए, इससे पहले आप क्या काम करते थे? तो आप बीमार हैं। मैं दो काम करता था जी। सुबह के टाइम रिक्शा चलाता था, रात को मूवी वगैरह बनाता था। ठीक हो गया। अच्छा, मूवी मेकर भी हैं। अब ये जो जितने भी कैमरे हैं जी जी सब भी किए ये बीमारी में। ओह अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायलिसिस में गुर्दे वोश की इस बीमारी में आप कितनी दफ़ा चेकअप करवाने जाते हैं डॉक्टर से? सिस्टर जी, डॉक्टर ने कहा मुझे 3 बार। ठीक हो गया। आपने 3 बार, हफ्ते में 3 बार जी जी डायलिसिस करवाने हैं, और गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ एक बार ही करवाता हूँ। एक बार करवाते हैं, लेकिन ये पैरों में भी सूजी से है मेरे। हाँ जी, वो तो बहुत के नजर आ रहा है। भी लड़ते कहते भी आप ये 2 या 3 करवाओ ताकि ये हो। ठीक हो गया। तो फिर पैसों की वजह से भी मैं नहीं करवाता। ठीक हो गया। तो आपकी तकरीबन मेडिसिन का कितना को खर्चा आ जाता है आपका ये दोनों मिलाकर? एक डायलिसिस का जो है ना मेडिसिन वगैरह डाल के जी जी उसमें 10,000 रुपये आ जाता है। ठीक हो। जो रेगुलर खानी मेडिसिन उसमें वो जो है मेरी 20 से 25,000 रुपये की है। ठीक हो गया। यानी कि एक दफ़ा के डायलिसिस में, वॉश करवाने के ये सारे प्रोसीजर में और मेडिसिन का तकरीबन 10,000 का खर्चा है, लेकिन आप एक ही दफ़ा अफोर्ड करवा सकते हैं, 3 दफ़ा नहीं जाते आप। तो महीने की जी जी महीने की जो मेडिसिन है। हाँ जी हाँ जी, वो 20 से 25,000 रुपये की है। ठीक हो गया। यानी कि ये बहुत महंगा इलाज है। ठीक हो गया। तो आपके घर में कितने अफराद हैं? मैं और मेरी मिसेज। आपकी मिसेज हैं। ठीक हो गया। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया है, कि क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो मेरी मिसेज को कह रहा था अभी तो आपका हस्बैंड जो है ना यंग है, इसका कोशिश करे गुर्दा जो है ना चेंज करवा ले। ठीक हो गया। तो आपको पता ही फिर नहीं गुंजाइश है, तो मैंने कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं। जी कहता एक भी चेंज हो जाएगा ना इसका काम चल जाएगा। तो भाई मैं आपसे इसी के साथ पूछती चलूं कि ये सारा खर्चा और मेडिसिन आप कैसे अफोर्ड करते हैं? आप बता रहे हैं कि 10,000 का इसका खर्चा आता है, तो आप काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप ये किस तरह से अफोर्ड करते हैं सारा। ओ रोए नहीं प्लीज़। आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें, तो परेशान नहीं हुए? घर का जितना सामान है सारा बेच रहा हूँ। ओह वेरी सैड। घर का सामान बेच के सारा काम हो रहा है। जी बहुत अफसोस और बहुत दुख भरी कहानी है, और मैं आप सबसे अपील करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ काइंडली इस भाई की ज़रूर मदद कीजिए, ज़रूर हेल्प कीजिए, ज़रूर दुआ कीजिए कि खुदावंद इनके लिए रास्ते हमवार करे, इनके लिए हेल्प आउट करे, और खुदावंद इनको इन तमाम मुश्किलात से रहाई दे। जी भाई, आपको डॉक्टर ने बताया कि गुर्दा एक्सचेंज करा लें, तो उस पर तकरीबन कितना प्रोसीजर है और वो कितनी अमाउंट उस पर
मतलब के लगती है? डॉक्टर ने बताया था, मुझे कह रहा था 40 से 50 लाख तक है। ओके, 40 से 50 लाख का खर्चा यानी के उस पर आ रहा है और आप बिल्कुल भी नहीं इसे अफोर्ड कर सकते। जी जी। ठीक हो गया जी भाई, आप हमारे इस शो के जरिए हमारे मसीही बहन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं कि वो आपकी किस तरह से हेल्प करें? सिस्टर जी, मुझे ना मेरा मोहल्ला ना मिक्स है, दोनों 3-4 गांव में रहती हैं। ठीक। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे यार फलाने बैतलहम में जाओ वहाँ पे ज़कात लो, तो मैंने उन्हें साफ बता दिया यार ज़कात हमें लगती नहीं है, तो ना हम लेते हैं। तो खुदा ने चलाया तो मुझे ऐसे ही चलेगा, मुझे अपने मसीह बहन भाइयों से बहुत उम्मीद है, वही मेरी मदद करेंगे। मैं तमाम मसीह बहन भाइयों के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर का जितना भी सामान था सब बिक गया है, और रक्षा भी किया और कैमरे थे वो भी बेच दिए, अब कुछ नहीं घर में पड़ा, और खाना वगैरह भी बड़े मुश्किल से खाते हैं। 5 और 6 महीने का मैंने रेंट नहीं दिया वो, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप मेरी मदद कीजिएगा। तो मैं अपने नाज़रीन से एक बार फिर से अपील करूँगी कि आप इनकी सारी स्टोरी, ये रियलिटी है, और इस सारे मंजर को देख के मेरा दिल भर आया कि ये भाई इस शो पर आए हैं। तो मैं चाहूँगी अपने तमाम उन मसीही बहन भाइयों से एक बार फिर से अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी आप अपनी दयायुक्तियों से, अपने रुपए पैसों से, अपनी दुआओं के वसीला से इनकी हेल्प कर सकते हैं, और ये नीडी हैं, इनको ज़रूरत है। आप इनका स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है, जैज़ कैश भी है, तो काइंडली आप डायरेक्टली इनकी हेल्प कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इमैनुअल भाई का जैज़ कैश नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इमैनुअल भाई की ज़रूर मदद करें। जी नाज़रीन, मुझे और मेरे कैमरामैन को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू।